नमस्कार दोस्तों, फिल्मोग्राफी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। कहते हैं ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन? हीरो? नहीं, विलन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सुपरस्टार की जिसको सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी लोगों की भी द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KGF मूवी के सुपरस्टार यश के बारे में। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्नड़ अभिनेता यश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। वो भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप। नंबर वन, दोस्तों यश एक फिल्म अभिनेता और एक पार्श्व गायक है जो अधिकतर कन्नड़ फिल्म उद्योग के लोकप्रिय हैं। नंबर टू, दोस्तों यश का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। नंबर थ्री, दोस्तों उनके जन्म का नाम नवीन कुमार गौड़ा है लेकिन स्टेज का नाम यश है। नंबर फोर, यश को कन्नड़ फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामचारी में रामचारी की भूमिका के लिए जाना जाता है जो वर्ष 2014 में रिलीज हुई थी। नंबर फाइव, दोस्तों यश का जन्म 8 फरवरी 1986 को भारत के कर्नाटक में हुआ था। नंबर सिक्स, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कर्नाटक स्थित मैसूर के महाजना हाई स्कूल से प्राप्त की थी। नंबर सेवन, इनके वहाँ बीवी कारंत द्वारा स्थापित बेनाका थिएटर में शामिल हुए जहाँ उन्होंने अभियान कौशल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। नंबर एट, दोस्तों यश ने कई स्टेज शो और टीवी धारावाहिकों के माध्यम से अपने अभियान करियर की शुरुआत की। नंबर नाइन, दोस्तों यश को फिल्म इंडस्ट्री में एक गायक के रूप में भी जाना जाता है। नंबर टेन, दोस्तों यश के बहुत सारे फेमस रोल्स हैं जैसे कि KGF में है। नंबर इलेवन, यश की हाइट 180 सेंटीमीटर है यानी कि 1.80 मीटर। नंबर 12, यश का सनसाइन कैप्रिकॉन है। नंबर 13, उनके पिताजी अरुण कुमार BMTC के पूर्व कर्मचारी थे और माता पुष्पा गृहिणी है। नंबर 14, दोस्तों सुपरस्टार यश की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदनी है। नंबर 15, दोस्तों सुपरस्टार यश का पहला टीवी शो नंदा गोकुल था जो कन्नड़ चैनल में प्रसारित हुआ था। नंबर 16, दोस्तों इसी समय यश की मुलाकात राधिका पंडित से हुई। नंबर 17, और दोस्तों यहीं से यश और राधिका पंडित दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए जिसके चलते उन्होंने अगस्त 2016 में गोवा में सगाई की और 9 दिसंबर 2016 को विवाह के बंधन में बंध गए जिससे उनकी एक बेटी है। नंबर 18, दोस्तों सुपरस्टार यश ने वर्ष 2004 में टीवी धारावाहिक उत्तरायण के माध्यम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। नंबर 19, इसके बाद वे नंदा गोकुला, प्राति इलादा मेले, शिवा इत्यादि कई प्रसिद्ध कन्नड़ चैनलों में उन्होंने कार्य किया। नंबर 20, दोस्तों वर्ष 2007 में यश ने पहली बार चंबाड़ा हुडिकी में एक सहायक भूमिका के रूप में कार्य किया। नंबर 21, वर्ष 2008 में उन्होंने राधिका पंडित के साथ मोगिना मंसू में मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। नंबर 22, इसके बाद यश ने विभिन्न व्यावसायिक रूप में सफल फिल्मों में अभिनय किया जिसमें 2008 में आई मोडाला साला में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। नंबर 23, उसके बाद 2011 में किरात का, राजधानी, नाटक जैसी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। रामाचारी। नंबर 24, उसके बाद 2012 में जानू, लक्की, राजा मैली,
गूगली जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। नंबर 25 दोस्तों, उसके बाद 2014 में जो फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेज रामचारी, उसने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा यूटर्न मारा और उसके बाद से ही यश सिर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुपरस्टार के नाम से मशहूर हो गए। नंबर 26 दोस्तों, उसके बाद 2018 में आई KGF चैप्टर 1 ने पूरी दुनिया में एक इतिहास लिख दिया और रातों रात सुपरस्टार से इनको मेगा स्टार बना दिया। अगर तुझ में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। नंबर 27 दोस्तों, यश को कन्नड़ फिल्म उद्योग में अग्रणी अभिनेताओं में से एक माना जाता है। नंबर 28 दोस्तों, यश ने अपनी धर्म पत्नी राधिका पंडित के साथ एक टीवी धारावाहिक में दोनों ने भाई बहन की भूमिका निभाई थी। नंबर 29 दोस्तों, सुपरस्टार यश ने गायक होने के नाते कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। नंबर 30 दोस्तों, वर्ष 2009 में उन्हें अपनी फिल्म मोगिना मंसू के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में कन्नड़ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नंबर 31 यश को 2013 में आई फिल्म ड्रामा और 2014 में आई फिल्म गुगली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में कन्नड़ फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से नामांकित किया गया, जो कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ा अवार्ड था। नंबर 32 और दोस्तों, इसी के बाद उन्हें 2015 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और सिम्मा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 33 दोस्तों, कन्नड़ फिल्म अभिनेता यश की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुई। महज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। नंबर 34 दोस्तों, यश बड़े पर्दे पर अपने काम के दौरान जितने सहज नजर आते हैं, वे अपनी रियल लाइफ में भी उतने ही नेक दिल है। दोस्तों, सुपरस्टार यश की कहानी किसी फिल्मी कहानी के जैसे ही है। नंबर 35 दोस्तों, सुपरस्टार यश का फिल्मी करियर 12 साल का है और उन्होंने अब तक लगभग 18 फिल्मों में काम किया है। नंबर 36 एक रिपोर्ट के मुताबिक यश के पास लगभग 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। नंबर 37 दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये बात भी जानते होंगे कि एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेने वाले यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। दरअसल उनके पिता का मानना ये भी है कि इसी नौकरी के चलते अपने बेटे को इतना बड़ा बना पाए हैं, इसलिए उनके पिताजी ये काम नहीं छोड़ना चाहते। नंबर 38 दोस्तों, सुपरस्टार यश के बारे में ये भी कहा जाता है कि सुपरस्टार यश ने अपनी शादी के रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इनवाइट किया था। नंबर 39 दोस्तों, साल 2017 में यश और राधिका पंडित ने मिलकर यश मार्ग फाउंडेशन शुरू किया। नंबर 40 दोस्तों, ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। नंबर 41 दोस्तों, इस संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके झीलें बनाई हैं ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। और दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, इसलिए हमें सुपरस्टार यश को सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 42 दोस्तों, आप सभी को पता है कि KGF चैप्टर 1 कितनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इस मूवी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म ने सिर्फ मुंबई में ही 15 करोड़ 8 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, मतलब कि ये फिल्म मुंबई के दिलों में राज कर गई। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार यश के बारे में कुछ जानकारियां। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, सुपरस्टार यश के इस बढ़ते करियर को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुपरस्टार यश हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहे और ऐसे ही चैरिटी करके लोगों का भला कर सके।
मेरी तरफ से हम सब के फेवरेट सुपरस्टार यश को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।